नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 8.4 के बारे में। यहाँ पर टॉप 5 बेस्ट फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जीकेएम के साथ, प्लस एक बार जो है इस जीकेएम के साथ जो है क्या क्या इंटरेस्टिंग ऑप्शंस को ऐड किया गया है उसके बारे में बात करने वाले है। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 5 बेस्ट जीकेएम फीचर के बारे में जो कि इस जीकेएम के साथ अवेलेबल है। आप डेफिनेटली इस फीचर्स को ट्राई करके देखो। सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो टॉगल है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 8K वीडियो का सपोर्ट है तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ आप सिंपली 8K 60fps, 8K 30fps, 8K 24fps, 8K ऑटो fps का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर 8K वीडियो का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो इस जीकेएम के साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। तो पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो टॉगल है ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ। ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है सो समीम करके डेवलपर की तरफ से इस जीकेएम को तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरा का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस जीकेएम को डाउनलोड कर सकते हो। गूगल कैमरा 8.4 के ऊपर बेस कर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ मॉडर्न यूआई का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, बेसिकली वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस जीकेएम के साथ। प्लस यहाँ पर जो है नंबर 2 फीचर की अगर बात करें, यहाँ पर जो है एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है आप सिंपली इस गूगल कैमरा के साथ एक्सटर्नल माइक को यूज कर सकते हो। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो है एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है सिंपली एक्सटर्नल माइक को यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है वायरलेस ब्लूटूथ माइक का जो ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है। पर जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है वायरलेस ब्लूटूथ माइक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस जीकेएम के साथ, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर बात करें जो नेक्स्ट जो फीचर है, यहाँ पर जो है टॉप 3 फीचर की अगर बात करें, तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ अगर आप चाहो तो जो लेटेस्ट पिक्सल 6 प्रो है उसका जो यूआई आप एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर पिक्सल 7 का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर जो है एडवांस रिस में आके स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो डिवाइस इंटरफेस में आके मेन लेंस का ऑप्शन है, फ्रंट कैमरा, यहाँ पर जो है टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस का ऑप्शन है। सिंपली पर मेन लेंस में आके पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6 से पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट करोगे, पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है मोशन का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। तो पर पिक्सल 7 प्रो का जो फीचर है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर जो पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट करने के बाद जो मोशन का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा, पर एक्शन पैन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो फीचर है यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ, इस गूगल कैमरा के साथ, जहाँ पर पिक्सल 6 प्रो का जो यूजर इंटरफेस है एनेबल कर सकते हो इस गूगल कैमरा के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर अगर बात करें टॉप 4 फीचर के बारे में, यहाँ पर जो है सबसे पहले बात कर लेते पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली डिवाइस इंटरफेस में आके मेन लेंस में आके बच्चे पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करते हैं। पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करने के बाद जो है पर यूआई के ऊपर कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलते कुछ इस तरह से ऑप्शन से, पर जो मोशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। फिलहाल पिक्सल 7 प्रो के ऊपर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, शायद नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर ज्यादा ऑप्शन को ऐड किया जाए। नंबर बात कर लेते हैं टॉप 4 फीचर के बारे में, तो यहाँ पर जो है इस जीकेएम के साथ अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ 48 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और यहाँ पर जो 64 मेगापिक्सल और 108 इवन जो है आप 200 मेगापिक्सल के साथ भी यहाँ पर जो फोटो को क्लिक कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो है अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस के ऊपर जो है 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल तक जो है यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो। बेसिकली आपके डिवाइस के ऊपर जो भी कैमरा सेंसर रहेगा उस तरह से आप जो है फोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जो है अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ये जो फीचर से अवेलेबल है इस जीकेएम के साथ, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर टॉप 5 फीचर के बारे में, तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है यहाँ पर ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है
टॉप 5 फीचर की बात करें तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, ढेर सारी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, लॉट्स ऑफ फीचर्स एंड जो है सेटिंग्स अवेलेबल है। ऐसे यहाँ पर जो मोशन फोटोज का ऑप्शन है, पर जो है लाइव फोटोज का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, फोकस ट्रैकिंग को ऐड किया गया है, जीपीजी क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, डिजेबल हेक्सागन डीएसपी का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है एचडीआर प्रोसेसिंग इंप्रूव हो जाता है, प्लस पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जूम का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम का ऑप्शन है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो है जूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इसे भी ऐड किया गया है। पर इस गूगल कैमरा के साथ अगर आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट 16x तक जूम का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से इस जीकेएम के साथ जो पर 16x तक जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, या पर सिंपली कुछ इस तरह से डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम नहीं करते, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 16x तक जूम का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं जो जूम को इंक्रीज कर सकते हो तो यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स में जाके, एडिशनल सेटिंग्स में जाके, यहाँ पर कस्टमाइजेशन में जाके, यहाँ पर जो है स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो इंक्रीज जूम का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो सिंपली यहाँ पर 100x को सिलेक्ट करते हो, पर 100x सिलेक्ट करने के बाद गूगल कैमरा को रीसेट करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आप जीकेएम के साथ जो है 100x तक जूम कर सकते हो, कुछ इस तरह से यहाँ पर जो 100x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जूम है उसे इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो 100x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, 200x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, 300x जूम का जो ऑप्शन से काम करता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जूम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ। प्लस यहाँ पर जो HDR RAW फिक्स का ऑप्शन है, सैमसंग फीचर को ऐड किया गया है, पर लाइव HDR का ऑप्शन है, स्विच अपर्चर टू f/2.4 का ऑप्शन है, एक्जिनोस फिक्स का ऑप्शन है, पर जो ऑटो नाइट साइड मोड को ऐड किया गया है, डिस्प्ले P3 कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है लाइट थीम का ऑप्शन है, प्लस डार्क मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, OIS सेटिंग्स का ऑप्शन है, पर जो है वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस एस्टो एंड नाइट मोड का ऑप्शन है, पर जो है एस्टो मोड का जो ऑप्शन है फ्रंट कैमरा के साथ भी काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, पर मैनुअल फोकस का ऑप्शन है, या पर इस जीकेएम के साथ एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन है फ्रंट कैमरा के साथ भी काम करता है, प्लस व्यू फाइंडर बटन्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है व्यू फाइंडर के ऊपर अलग अलग बटन्स को एनेबल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो मैनुअल फोकस स्लाइडर, ऑटो आई बैलेंस बटन, LDR बटन का ऑप्शन है, ISO स्लाइडर का ऑप्शन है, पर एपर्चर बटन को ऐड किया गया है, सैचुरेशन स्लाइडर का ऑप्शन है, एस्ट्रो टाइम स्लाइडर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से व्यू फाइंडर के ऊपर अलग अलग बटन देने को मिलेगा। यहाँ पर जो ढेर सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है, इस तरह से ये सभी जो ऑप्शन है अवेलेबल है, पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, या पर रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ यहाँ पर जो है माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है, प्लस रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो है वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, कुछ इस तरह से रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, या पर माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है, इसके लिए पर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा इस जीकेएम के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। इस जीकेएम के साथ जो पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, या पर टेलीफोटो लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है, अगर आपके डिवाइस के ऊपर टेलीफोटो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर जो लिप पैचर का ऑप्शन है, पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, लिप पैचर के साथ बेसिकली फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, पर जो मेन लेंस, फ्रंट कैमरा, प्लस टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस के ऊपर अलग अलग ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। पर जो लिप पैचर के साथ जो है पर सैबरा हो जाए, प्लस नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो, पर लाइट एंड शेडो का ऑप्शन है, नाइट मोड का ऑप्शन है, फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो लिप पैचर के साथ, और मल्टीपल लेंस के साथ ये जो लिप पैचर का जो ऑप्शन से काम करेगा। एंड यहाँ पर जो कैमरा टेप सीरीज का ऑप्शन, यहाँ पर जो डिवाइस सिलेक्शन फॉर HDR मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर रॉ सेटिंग्स का जो ऑप्शन से भी ऐड किया गया है। एंड ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है तो एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ भी काम कर जाएगा। रेडमी, शाओमी, पोको, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ काम करते हैं। मैनुअल कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, सेफ सेल्फीज, प्रीव्यू का ऑप्शन है, ऑडियो जूम, वीडियो स्टेबलाइजेशन, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है, वीडियो स्टोरेज का ऑप्शन है, गेस्ट्स का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, सोशल शेयर का ऑप्शन है, जहां पर आप डायरेक्टली जीकेएम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो, सेफ लोकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कैमरा साउंड को डिजेबल करने का ऑप्शन है, गूगल लेंस का जो सजेशन है ऐड किया गया है, या पर इस जीकेएम के साथ ये सभी ऑप्शन है, प्लस एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन है, डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर जो है डेवलपर सीरीज के साथ आप जो है नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, किस तरह से डेवलपर सीरीज के साथ नया नया फीचर्स को एनेबल करते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। पर जो है एडिशनल सीरीज के ऊपर जो है
आप जो है HDR फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो, पर जो है नाइट साइड मोड हो जाए, प्लस पर जो है मेन कैमरा पर फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड के साथ जो पर फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। आप जो है मल्टीपल लेंस के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, प्लस पोर्ट्रेट मोड एंड नाइट साइड मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर आप HDR फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो जो फोटो सेव होने में टाइम लगता है, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। अगर आप हाई क्वालिटी के साथ फोटो को क्लिक करना चाहते हो जीकैम के साथ, तो आप सिंपली HDR फ्रेम सीरीज के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो मल्टीपल लेंस के साथ, ये जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, पर जो है ऑक्सिलरी कैमरे के ऊपर टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, माइक्रो लेंस प्लस जूम लेंस का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करेगा, यहाँ पर नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। मल्टीपल लेंस के ऊपर जो है नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसी भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर जो है सैमसंग, वन प्लस, पोको, रेडमी अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है नॉइस मॉडल के ऊपर, प्लस ऑटो एड बैलेंस के ऊपर भी ढेर सारे ऑप्शंस को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से आप जो है पिक्सल जैसा फोटो को क्लिक कर सकते हो इस गूगल कैमरे के साथ, इसमें ऐड किया गया है अलग अलग ऑप्शंस से, पर लिप पैचर, मैनुअल फोकस सेटिंग्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर व्यू फाइंडर बटन, एस्ट्रो नाइट मोड का ऑप्शन है, वीडियो सेटिंग्स, कस्टमाइजेशन, ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस गूगल कैमरे के साथ। आप जरूर से इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर, एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।